पाकिस्तान एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में आतंक को दोबारा जिंदा करने के लिए पूरी जान लगा दी है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं में भारत के 5 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, लेकिन भारतीय सेना ने भी 9 आतंकियों को जहन्नुम भेज दिया है। भारतीय सेना के इन 5 जवानों को बचाया जा सकता था, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे गद्दार बैठे हैं जिनकी वजह से हमने अपने 5 जवान खो दिए। जम्मू कश्मीर के ये गद्दार आतंकियों की मदद कर रहे हैं और उन्हें खाना पानी और छुपने की जगह दे रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकी जम्मू कश्मीर के इन गद्दारों के साथ रहते हैं और मौका देखते ही बुद्धिजीलों की तरह भारतीय सेना पर हमला कर देते हैं। लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जो आतंकियों और आतंकियों की मदद करने वालों की धज्जियां उड़ा देगी। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया गया है। इस एक्शन के तहत जम्मू कश्मीर में 4 सरकारी कर्मचारियों को धक्के मारकर नौकरी से निकाल दिया गया है। ये सभी आतंकवादियों की मदद कर रहे थे। इन 4 सरकारी कर्मचारियों से अब पूछताछ चल रही है। बर्खास्त हुए सरकारी कर्मचारियों में से 1 डॉक्टर था तो दूसरा पुलिस का कांस्टेबल था, तीसरा टीचर था तो चौथा शिक्षा विभाग की लेबोरेटरी में काम करता था। इन सभी पर पाकिस्तानी एजेंडा को बढ़ावा देने और आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने का आरोप है। आपको बता दें कि फारूक अहमद मीर टीचर था, निसार उल हसन डॉक्टर था, अब्दुल माजिद भट्ट पुलिस कांस्टेबल था और चौथा अब्दुल राथर शिक्षा विभाग में लगा हुआ था। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पिछले 3 सालों में सरकार ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे 50 से अधिक सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। ये वो गद्दार हैं जिन्हें सुरक्षा बल इनके बिलों से घसीट कर लाए हैं। इन सभी के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। आपको बता दें कि जितने खतरनाक आतंकवादी होते हैं उतने ही खतरनाक आतंकियों की मदद करने वाले। भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पिछले कुछ महीनों से आतंकवादियों और उनकी मदद करने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। NIA जम्मू कश्मीर में सैकड़ों जगहों पर छापेमारी कर चुकी है। आतंकियों की मदद करके जिसने भी घर, दुकान या होटल बनाया है सभी को सील किया जा रहा है। पिछले कुछ समय में कश्मीर के अनंतनाग, श्रीनगर, पुलवामा, शोपियां और बडगाम जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। आतंक पूरी तरह तभी खत्म होगा जब आतंकियों के मददगार खत्म होंगे।